खेसारी लाल यादव जी को पवन सिंह अपने छोटे भाई मानते हैं, क्या उनके तरफ से बधाई आएगी? अब उनके तरफ से बधाई आएगी कि नहीं आएगी वो तो कल उनके आईडी को देखने से पता चलेगा, क्योंकि क्या है कि अब हम कोई ज्योतिष हैं नहीं कि हम बता सकते हैं। फरिश्ता वैसा है इसलिए उसको प्यार मिल रहा है, फरिश्ता रियली भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए फरिश्ता बन। क्या भोजपुरी का एक नया मोड़ लेके आ रहे हैं खेसारी लाल यादव जी, एक अलग मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश है पूरी तरह से? हाँ, फिल्म की तो चर्चा बना दिए हैं फरिश्ते से, क्योंकि इसके पहले आप भी 3-4 साल में कोई फिल्म का चर्चा उतना नहीं सुनते होंगे, सिर्फ एल्बम 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 जी। बट अभी फरिश्ता के बाद फिल्म 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 हो गई, बस अच्छे अच्छे जगह से वृद्धाश्रम अनाथाश्रम और सबसे मेरा लास्ट कार्यक्रम होगा जो PMCH मरीजों के साथ होगा, जो मरीज जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे हैं, जो अपने शरीर से प्रॉब्लम में है, वहाँ PMCH में उनके अटेंडेंट को और मरीजों को जो भी खाने लायक है वहाँ खाना वितरण करेंगे। जिस तरह से खेसारी लाल यादव जी सोचते हैं, हमेशा गरीबों को मदद करते हैं, कि और भी स्टार को नहीं सोचना चाहिए इस बारे में? सब लोग सोचते हैं, सबका सोच अलग है, सबका सोच एक तरह नहीं मिला सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़। दोस्तों, कल खेसारी लाल यादव जी का 15 मार्च का यानी खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे है, और आज हमारे साथ हैं खेसारी लाल यादव जी के राइटर पवन पांडे जी। और खेसारी लाल यादव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर देखिए हर जगह होर्डिंग लग रहा है, पोस्टर लग रहा है, और आइए पवन पांडे जी से बात करते हैं। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, और जितने लोग देख रहे हैं आपको एच न्यूज़ मतलब hnews.in, तो आप सभी इस न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर खेसारी लाल यादव जी का इतने भव्य तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है, क्या क्या कुछ धमाल होने वाला है? बहुत कुछ धमाल होने वाला है, अभी हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, फेसबुक पेज पर सब अपडेट मिलेगा। कल के कार्यक्रम का भी जाके शेड्यूल बनाएंगे और उस शेड्यूल से आपको सब पता चलेगा। अगर आप लोग को समय मिले तो कल मेरे साथ जुड़िए, हर जगह का अपडेट आप लोगों को मिलेगा। कैसे ख्याल आया कि खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया जाए, सभी जगह पोस्टर लगाया जाए, एक त्यौहार की तरह बना दिया जाए? ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है और तीसरी बार कह सकते हैं, पिछली बार भी इससे भी बेहतर हुआ था। और इस साल हमारे टीम के बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, पिछली बार तो हम अकेले थे जी, और इस बार हमारी टीम के सारे लोग पटना है और सभी लोग मिल के कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर होगा। खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे है और आज लाइव आए थे खेसारी लाल यादव जी, और वो शायद बोल रहे थे कि पटना में नहीं आ पाएंगे, बर्थडे नहीं मना पाएंगे, क्या वो आएंगे, ऐसा कुछ आपको पता है? देखिए, वो बर्थडे में आए चाहे नहीं आए, वो रियल किसी का बर्थडे होता है अगर वो अनुपस्थित हैं, उनके अनुपस्थिति में इतना सारा बर्थडे आयोजन हो रहा है तो उनके लिए सबसे बड़ा गौरवान्वित की बात है। खेसारी लाल यादव जी को पवन सिंह अपने छोटे भाई मानते हैं, क्या उनके तरफ से बधाई आएगी? अब उनके तरफ से बधाई आएगी कि नहीं आएगी वो तो कल उनके आईडी को देखने से पता चलेगा, क्योंकि क्या है कि अब हम कोई ज्योतिष हैं नहीं कि हम बता सकते हैं। ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी का, क्या उनके बर्थडे के मौके पे कोई धमाकेदार गाना आने वाला है? अभी तो बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं सब लोग, बर्थडे के बाद बहुत सारा गाना आने वाला है, अभी तो 2 दिन तक गाना नहीं आएगा। फरिश्ता को ढेर सारा प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? फरिश्ता वैसा है इसलिए उसको प्यार मिल रहा है, फरिश्ता रियली भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए फरिश्ता बन। क्या भोजपुरी का एक नया मोड़ लेके आ रहे हैं खेसारी लाल यादव जी, एक अलग मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश है पूरी तरह से? हाँ, फिल्म की तो चर्चा बना दिए हैं फरिश्ते से, क्योंकि इसके पहले आप भी 3-4 साल में कोई फिल्म का चर्चा उतना नहीं सुनते होंगे, सिर्फ एल्बम 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 जी। बट अभी फरिश्ता के बाद फिल्म 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 हो गया है, आगे भी संघर्ष 2 आ रहा है, गॉडफादर आ रहा है, क्या कुछ मूवी के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, बहुत अच्छा फिल्म है, सब टीजर से पता चल रहा है कैसा फिल्म है जी। और बेहतर फिल्म आने वाला है, सब किसी का फिल्म अच्छा आने वाला है। कल कहाँ कहाँ धमाल होने वाला है खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे में? कल अभी शेड्यूल बनाया नहीं है कि सबसे शुरुआत कहाँ से करेंगे, बट कल अच्छे अच्छे जगह से वृद्धाश्रम अनाथाश्रम और सबसे मेरा लास्ट कार्यक्रम होगा जो PMCH मरीजों के साथ होगा, जो मरीज जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे हैं, जो अपने शरीर से प्रॉब्लम में है, वहाँ PMCH में उनके अटेंडेंट को और मरीजों को जो भी खाने लायक है वहाँ खाना वितरण करेंगे। जिस तरह से खेसारी लाल यादव जी सोचते हैं, हमेशा गरीबों को मदद करते हैं, कि और भी स्टार को नहीं सोचना चाहिए इस बारे में? सब लोग सोचते हैं, सबका सोच अलग है, सबका सोच एक तरह नहीं मिला सकते हैं जी। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? चले, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही टीम खेसारी पे अपना आशीर्वाद प्यार बना रही है। नमस्कार, प्रणाम, जय माता। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे देखा आपने कि खेसारी लाल यादव जी का पोस्टर लगा हुआ है, बर्थडे मनाया जा रहा है कितना भव्य तरीके से, और आज हमारे साथ थे पवन पांडे, खेसारी लाल जी के राइटर। तो वैसे ही भोजपुरी से जुड़ी हर तरह के वीडियो देखने के लिए बने रही एच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।